हे गाइस, हर्ष हियर और आपका स्वागत है टेक्नोलॉब पे। आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाइट कम फाइट ज्यादा, लिटिल बीस्ट, ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है इस स्मार्टफोन के बारे में। अब देखो, बात काफी सिंपल है। जब इतना महंगा स्मार्टफोन रिव्यू के लिए आता है तो मेरे लिए नंबर वन चीज है एक्सपीरियंस। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, बड़े नंबर्स, ग्रेट हार्डवेयर, ये सब तो आपको मिल जाएगा, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। तो आज हम फोकस करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस पे। मैं इसे यूज कर रहा हूँ एज माई डेली फोन लगभग पिछले एक महीने से, और आज जानते हैं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये रिव्यू स्टार्ट करते हैं इन हैंड फील से। सैमसंग गैलेक्सी S23 काफी छोटा और कंफर्टेबल स्मार्टफोन है। अब पिछले साल मैंने S22 बाय किया था, लगभग 6 महीने के लिए यूज किया, एंड आई लव दैट स्मार्टफोन बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इट। इसीलिए मैं काफी एक्साइटेड था टू यूज सैमसंग गैलेक्सी S23, और इस स्मार्टफोन ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। इन हैंड फील काफी मस्त है स्मार्टफोन का। तो अगर आपको बड़े बल्कि स्मार्टफोन नहीं पसंद है तो ये वाला आपके लिए परफेक्ट है। काफी कंफर्टेबल और छोटा है सैमसंग गैलेक्सी S23। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहां पर भी यह स्मार्टफोन सॉलिड है। गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट एंड बैक पे विद एन एल्यूमिनियम फ्रेम। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है ये स्मार्टफोन। और हाँ, इसी के साथ IP68 की रेटिंग मिलती है यहाँ पर, तो वाटर एंड डस्ट से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। पर IP68 है, उसका ये मतलब नहीं कि आप स्मार्टफोन को स्विमिंग पूल के अंदर या समंदर के अंदर लेके जाओ। मेरे हिसाब से IP68 रेटिंग दी गई है एज अ प्रोटेक्शन, तो गलती से कभी पानी वानी चला गया तो कुछ नहीं होगा, पर आप पर्पसली पानी में मत डालना। पर ओवरऑल अगर मैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो उस मामले में ये स्मार्टफोन एकदम क्लासी है। और ये जो आप क्रीम कलर देख रहे हो, ये मेरा फेवरेट है। आपका कौन सा कलर फेवरेट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको भी क्रीम पसंद है तो वर्चुअल हाई फाई। आगे चलते हुए बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट पार्ट के बारे में, कैमरास। इस स्मार्टफोन में रियर साइड पे 3 कैमरास मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एंड फाइनली 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक नया 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। अब डायरेक्टली चलते हैं फोटोज की ओर। क्या लगता है आपको, कैसे है फोटोज? मेरे हिसाब से तो काफी बढ़िया फोटोज निकालता है सैमसंग गैलेक्सी S23, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। इनफैक्ट काफी बढ़िया फोटोज है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, तो शैडोज एंड हाइलाइट्स प्रॉपर तरीके से एक्सपोज किए गए हैं इवन इन डिफिकल्ट कंडीशंस। तो अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के सामने फोटो ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको काफी बढ़िया डायनामिक रेंज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फोटो का कोई पार्ट डार्क हो जाएगा या एकदम ब्राइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी वेल बैलेंस फोटो मिलेगी आपको एक्सपोजर के मामले में, और कलर्स भी बढ़िया है, टिपिकल सैमसंग लुक देखने को मिलता है यहाँ पर। फोटोज थोड़ी सी सैचुरेटेड है, विच आई डू लाइक, और काफी लोगों को ये पसंद है कि सैमसंग के फोटोज थोड़े सैचुरेटेड होते हैं, तो आप फोटो डायरेक्टली खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो, कोई भी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, और काफी बढ़िया दिखेगा वो क्लिक। अब मेन कैमरा तो बढ़िया है ही और मेरा फेवरेट है। सेकंड फेवरेट कैमरा की बात करूं तो वो है टेलीफोटो कैमरा। क्या बढ़िया टेलीफोटो कैमरा है, 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है आपको यहाँ पर, और आप काफी इंटरेस्टिंग फोटोज निकाल सकते हो, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड फोटोज। मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट मोड के लिए वो 3x टेलीफोटो काफी यूजफुल है। अब मैं ये स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ लगभग एक महीने से और काफी फोटोज निकाल रहा हूँ, और मैं टेलीफोटो कैमरा ज्यादा यूज करता हूँ एज कम्पेयर टू द अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी अच्छा है, बढ़िया पर्सपेक्टिव है, पर वो टेलीफोटो कैमरा काफी ज्यादा यूजफुल है। तो मेरे हिसाब से एप्पल और गूगल ने भी अब टेलीफोटो कैमरा देना चाहिए उनके बेस वेरिएंट्स में। तो पिक्सल 7 और आईफोन 14 में टेलीफोटो कैमरा नहीं है, उसकी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S23 थोड़ा स्टैंड आउट होता है बिकॉज ऑफ दैट टेलीफोटो कैमरा। पर एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, लो लाइट फोटोज की बात करें तो यहाँ पर डेडिकेटेड नाइट मोड है सभी कैमरास के लिए, और आप रात के समय में भी काफी हाई क्वालिटी फोटोज निकाल सकते हो यूजिंग द नाइट मोड। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर जो कि है शटर लैग। अगर आपको क्विकली फोन निकाल के एक फोटो लेना है तो उसमें थोड़ा सा लैग मिलेगा। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी है। वीडियो शूटिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S23 से आप काफी इंप्रेसिव वीडियोस निकाल सकते हो। मेन कैमरा से 8K 30fps तक शूट कर सकते हो, और बाकी सभी कैमरा से 4K 60fps तक। जी हाँ, 4K 60fps सभी कैमरा से। तो फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 60fps में वीडियोस निकाल सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी यूजफुल फीचर है। देखो, हम सबको ये पता है कि आईफोन गोल्ड स्टैंडर्ड है वीडियोस के लिए, पर इस साल मैं कहूंगा कि सैमसंग इज 90 और इवन 95% देयर। तो जो गैप है सैमसंग और आईफोन में इन टर्म्स ऑफ वीडियो शूटिंग, वो काफी छोटा है। तो ये है एक फ्रंट कैमरा वीडियो सैंपल विद द सैमसंग गैलेक्सी S23। मैं 4K 30 पे शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि वीडियो क्वालिटी कैसी है और ऑडियो क्वालिटी, मेन जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है, वो कैसी है इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, जो चाहिए वो बताइए। ओवरऑल मैं कहूंगा कि कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन एकदम सॉलिड है।
अब बारी है परफॉर्मेंस की। सैमसंग गैलेक्सी S23 काफी तगड़ा स्मार्टफोन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, वो भी ओवरक्लॉक्ड वेरिएंट स्पेशली फॉर गैलेक्सी। और हमें पता है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एक काफी बढ़िया प्रोसेसर है विद एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट विद द सैमसंग गैलेक्सी S23। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये स्मार्टफोन यूज करके, क्योंकि एक काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है विद द सैमसंग गैलेक्सी S23। बिल्कुल भी लैग्स देखने को नहीं मिलेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इस बार सैमसंग ने सॉफ्टवेयर को भी काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर दिया है। मेरे हिसाब से सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है वो गूगल से भी बेटर है। S23 के पहले मैं पिक्सल 7 यूज कर रहा था, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो डेफिनेटली बेटर है पिक्सल 7 से। सो दैट सेज अ लॉट अबाउट दिस स्मार्टफोन। और वन यूआई में काफी यूजफुल फीचर्स है, स्पेशली जो सैमसंग वॉलेट ऐप है उसके अंदर, वो मुझे काफी यूजफुल लगा। उसमें अब आप डिजी लॉकर इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10-12 की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सैमसंग वॉलेट ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे, क्योंकि आप डिजी लॉकर इंटीग्रेट कर सकते हो। और एक और फीचर जो मुझे बहुत पसंद है कि आप दो ब्लूटूथ स्पीकर या हेडफोन्स पे साथ में गाने बजा सकते हो। तो सैमसंग ब्लूटूथ के एडवांस वर्जन का काफी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आप दो ब्लूटूथ डिवाइसेस पे साथ में गाने बजा सकते हो, बहुत ही बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है। अब परफॉर्मेंस के बारे में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर आप 128GB वेरिएंट लोगे तो उसमें UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी, पर अगर आप 250GB का वेरिएंट लोगे तो उसमें UFS 4.0 स्टोरेज है। तो अगर आपको फास्ट स्टोरेज चाहिए तो 250GB वाला वेरिएंट ही लेना, 128GB वाला मत लेना। बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब बात करते हैं मीडिया कंजम्पशन के बारे में। इट ऑल स्टार्ट्स विद दैट ब्यूटीफुल डिस्प्ले। S23 में आपको 6.1 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 1750 निट्स। सैमसंग ने डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में हमेशा से ही बेस्ट काम किया है, और S23 में भी आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलता है। तो मूवीज, टीवी शोज या इंस्टाग्राम रील्स देखते वक्त एक काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मुझे तो बहुत मजा आता है व्हाइल वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, लाइक मैं घंटों तक रील्स या शॉर्ट्स देखते रहता हूँ, और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। पर यहाँ पर एक चीज नोटिस होती है कि डिस्प्ले की साइज थोड़ी छोटी है। अगर आप बहुत कंटेंट कंज्यूम करते हो, लाइक घंटों तक नेटफ्लिक्स देखते हो या यूट्यूब देखते हो, तो मेरे हिसाब से उस केस में S23 प्लस ले लो, वो बड़ी स्क्रीन है, या तो फिर S23 अल्ट्रा ले लो, वो तो और बड़ी स्क्रीन है। कंटेंट कंजम्पशन के मामले में डिस्प्ले की साइज थोड़ी छोटी है। मीडिया कंजम्पशन का एक और बड़ा पार्ट है स्पीकर्स। सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको काफी तगड़े स्पीकर्स मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स विद एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी, और साउंड आउटपुट काफी क्लियर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउंड आउटपुट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप हाई वॉल्यूम पे भी वीडियोस देख रहे हो या गाने सुन रहे हो तो साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होगी, आपको क्लियर साउंड आउटपुट मिलेगा विद द स्मार्टफोन। और हाँ, हेडफोन जैक नहीं है तो आपको डोंगल यूज करना पड़ेगा या तो फिर ब्लूटूथ ऑडियो। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे हेडफोन जैक बहुत ज्यादा मिस होता है, क्योंकि वायर्ड ऑडियो अभी तक वायरलेस ऑडियो से बेटर है और सस्ता है। आगे चलते हुए बात करते हैं बैटरी लाइफ और चार्जिंग के बारे में। बैटरी लाइफ हैज बीन सरप्राइजिंग गुड ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S23। मुझे बैटरी लाइफ में कोई भी इशू नजर नहीं आया। लास्ट ईयर मैं यूज कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी S22 और उसकी बैटरी लाइफ ओके की थी, पर सैमसंग गैलेक्सी S23 की बैटरी लाइफ काफी बढ़िया है फॉर द साइज ऑफ द स्मार्टफोन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बैटरी चैंपियन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर इस स्मार्टफोन के साइज के लिए बैटरी लाइफ काफी बढ़िया है। मुझे लगता है इसका रीजन भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, वो एक काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, और उसकी वजह से बैटरी लाइफ भी काफी बढ़िया मिलती है विद द स्मार्टफोन। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो मेरे टेस्टिंग में आई वाज गेटिंग समवेयर अराउंड 5.5 to 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, तो उस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि बैटरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सिर्फ 25 वॉट की वायर चार्जिंग मिलती है और चार्जर नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर, तो आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ 25 वॉट तक का सपोर्ट है। तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग चीज है। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 50 वॉट तक का सपोर्ट होना चाहिए था। ये ठीक है कि आप चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, पर सपोर्ट तो दे दो यार, हम चार्जर खरीद लेंगे ताकि हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाए। तो चार्जिंग स्पीड्स काफी एवरेज है मेरे हिसाब से। पर इस स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, तो अगर आपको स्मार्ट वॉच या ईयरबड्स या कोई दूसरा स्मार्टफोन चार्ज करना है तो आप वो कर सकते हो। सिर्फ स्मार्टफोन के बैक साइड पे उसे रख दो और वायरलेस पावर शेयर ऑन कर दो, उसके बाद आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, विच इज एट 4.5 वॉट्स। सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है अदर थिंग्स। अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है स्मार्टफोन के साथ, जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेट है। बाकी स्मार्टफोन्स में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं जो इतने बढ़िया नहीं है, पर ये अल्ट्रासोनिक वाला एकदम नेक्स्ट लेवल है। आई एम ग्लैड दैट सैमसंग इज यूजिंग अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। और एक और मस्त फीचर है स्मार्टफोन के साथ, सैमसंग डेक्स। आप स्मार्टफोन को मॉनिटर
प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस इन सबसे कनेक्ट करके एक पूरा पीसी बना सकते हो। मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस फीचर के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो वाला वीडियो देख लो, काफी बढ़िया है। चलो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है प्राइसिंग। सैमसंग गैलेक्सी S23 आपको पड़ेगा 80,000 रुपए का। जी हाँ, आपका घर चले जाएगा इसमें। जोक्स अपार्ट, 80,000 प्राइस है इसकी। आपको कुछ बैंक ऑफर्स मिल जाएंगे तो प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, पर फिर भी ये स्मार्टफोन काफी एक्सपेंसिव है। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि ऐसे स्मार्टफोन्स में मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S23 का जो एक्सपीरियंस है ना, वो काफी नेक्स्ट लेवल है। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं नोटिस होगी। तो अगर आपका उतना बजट है तो आप डेफिनेटली ये स्मार्टफोन खरीद सकते हो, एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। तो एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वो नीचे लाइक बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है हर्ष पंजाबी और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।